हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरु जी पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। और आपको एक बात बता दूं मेरे दोस्त, ये पार्ट नंबर हम लोगों का 32 है। दोस्तों, जिसने पार्ट नंबर 31 तक नहीं देखे हैं, इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर मेरे दोस्त इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारा वीडियो आपको सीक्वेंस में मिल जाएगा। या फिर मेरे दोस्त जब आपने इस वीडियो को शुरू किया था ना, तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिला होगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अगर आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ हमें मिले, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम भी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, ध्यान से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है, समानांतर श्रेणी है 2, 7, 12 डैश डैश करके इसी प्रकार दसवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, NTPC 2021 का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। समानांतर श्रेणी में होता है क्या, जैसे यहाँ पर 2, 7 और 12 लिखा है ना, और यहाँ पर लिखा है दसवां पद बताना, दसवां टर्म। ठीक है, 10th टर्म हमें बताना, तो यहाँ पर होता है क्या, यानी ए जो होता है वो पहला पद होता है, तो पहला पद कितना दिया गया है 2। उसके बाद एक चीज़ और की आवश्यकता पड़ती है, डी फॉर कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, यानी a2 - a1 7 में से 2 को घटा लो, या फिर a3 - a2 12 में से 7 को घटा लो, किसी में से भी तुम घटा लोगे, यानी इनके बीच में जो अंतर होता है उसी को सार्व अंतर कहते हैं। तो 7 - 2 कर देंगे कितना बनेगा, 5। ठीक है, अच्छा ये बताइए दोस्त, n कितना है, हमें n का वैल्यू nवां पद ही तो निकालना है 10। अगर ये तीन को पॉइंट जान चुके हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है a+n-1 × d, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीका से जान चुके हैं कि ए का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना है, 2 है, डी का वैल्यू इस क्वेश्चन में 2 है, 7 - 2 5 है। अच्छा, n का वैल्यू कितना है दोस्त, n का वैल्यू 10, यानी दसवां पद निकालना है, जो पद निकालना है उसी को nवां पद बोला जाता है, यहाँ n के जगह पे 10 लिखेंगे। ठीक है, a के जगह पे कितना 2 प्लस n-1, n के जगह पे 10 रखेंगे, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, गुना d की जगह पे कितना 5, इन्हीं को सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 + 9 = 45, 45 में हम 2 को ऐड करेंगे कितना बनेगा 47। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा दोस्त। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना, तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिए गए गुणनखंड 3451 / 531 / 43 में इकाई का अंक ज्ञात करना है, यानी यूनिट डिजिट। ठीक है, यूपीड प्लेस यानी यूनिट प्लेस्ड डिजिट, इकाई का अंक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट। हमें RPF SI का क्वेश्चन लिए हैं दोस्त, ध्यान से देखेंगे। इकाई अंक में होता है एक्चुअल में क्या, केवल उसमें हम लोग इकाई अंक से मतलब रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर लिखा है 3451, इनका पावर कितना लिखा है भाई, 51 लिखा है, मल्टीप्लाई कर दिया है 531, इनका पावर कितना लिखा है भाई, 43 लिखा है। अब देखो दोस्त, हमने आपको क्या बता रहा, इकाई के स्थान निकालने के लिए केवल हम इकाई अंक से मतलब रखते हैं, तो ये जो लास्ट की इकाई अंक छोड़ के सभी को हम भूल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बचा दोस्त, ध्यान से सुनो, यहाँ से क्या बचा 1, इस 1 का पावर कितना है 51, गुना यहाँ से कितना बचा 1, 1 का पावर कितना है 43। हम क्या करेंगे दोस्त, जो भी इकाई के अंक है ना, केवल इकाई के अंक से मतलब रखते हैं, बाकी अंक को हम भूल जाते हैं। अब दोस्त, 1 के पावर कुछ भी कर लो 1 ही होना है, 1 के पावर कुछ भी कर लो 1 ही होना है, 1 × 1 करेंगे कितना बनेगा 1 ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन को जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो इनके लास्ट में इकाई के अंक 1 आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और इस क्वेश्चन को कैसे करना है आप यहाँ पे बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। कैसे करना है, इकाई के अंक में केवल इकाई अंक से मतलब रखना होता है, सभी कट जाएगा, यानी इकाई के स्थान पर कितना बचेगा 1 बचेगा, 1 के पावर 51 गुना यहाँ पर इकाई के स्थान पर कितना बचेगा 1 बचेगा।
और इनका पावर कितना है 43। ठीक है, अब इनका पावर कुछ भी कर लो, एक का पावर 51 चाहे एक के पावर दुनिया का कुछ भी नंबर रख लो, इकाई के स्थान पर एक ही आना है। वही लॉजिक यहाँ पर एक के पावर 43 है, अगर एक के पावर दुनिया का पावर कुछ भी रख लो, सलमान खान शाहरुख खान कुछ भी रख लोगे तो उसका मान एक ही आना है, एक गुना एक करोगे तो एक होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, कह रहे हैं किसी संख्या का 108% 189 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी संख्या का 108% 189 है। कोई संख्या मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, क्या है भाई, x है। बहुत बढ़िया, इस x का 108% यानी 108% का मतलब बटा में 100। बहुत बढ़िया, बाटा में 100 जो बराबर दिया है कितना 189। समझ रहे हो कि नहीं भाई, समझ रहे हो क्या क्वेश्चन है। कोई संख्या है x, उनका 108% जो है 189 है। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखना, सबसे पहले इनको किन से हम काट सकते हैं, 9 से कट सकते हैं। जी हाँ, 9 से कर सकते हैं। 9 से इनको काटेंगे तो 9 या कम 9 इधर जाएगा, तो 9 दूनी 18। 9 से इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 9 दूनी 18, यहाँ 9 या कम 9। अब देखो दोस्त, और किससे कर सकता है, जी हाँ और 3 से कर सकता है, 3 चौका 12, 3 सत 21, समझ रहे हो। और इस 4 कम 4, 4 से ही कटेगा 25 बार में, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, कैंची गुना करेंगे 25 आ गुना 7 बचेगा, कितना होगा, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा। ये बताइए 175 किस ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन बी में दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, कैसे सॉल्व करना है अच्छे से सीख भी चुके होंगे। मेरे दोस्त काटने में आपको अगर दिक्कत हो रही होगी ना, तो आप अपने से कॉपी पेन उठाएंगे, वहां पर लिखे आप अपने से काट सकते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहकर, यदि 208.4/5 लंबाई की एक छर को 23.1/5 लंबाई की बराबर टुकड़ों में काटा जाए तो कुल कितनी छर प्राप्त होगी। एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन। आपको करना क्या है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे, आपको टोटल छर यानी कितना छर प्राप्त होगा ना, ये वैल्यू को आप इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे आपको मिल जाएगा, यानी टोटल लंबाई को आप इस लंबाई से डिवाइड कर देंगे तो कितना छर की आवश्यकता होगी आपकी मालूम चल जाएगी। तो मेरे दोस्त यहाँ पर क्या करेंगे, 208 को सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, 208 4/5 है इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 208 को 5 से गुना करेंगे और 4 ऐड करेंगे, बटा में 5 ही रहेगा। अब देखो 8 × 5 = 40 के 0 हासिल कितना, 4, 0 से 5 में गुना करेंगे 0 और 4 हासिल 4, यहाँ 5 दूनी कितना 1040 में हम 4 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 1044, आप बटा कितना बनेगा 5। बहुत बढ़िया, इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1044/5, हम डायरेक्ट लिखे कोई दुख तकलीफ 1044/5। अच्छा जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इनको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 23 ही 1/5 को हम सॉल्व करेंगे तो 23 × 5 कितना हो जाएगा 5 × 15 = 5, हासिल कितना 5 × 15 = 5 हासिल 1, 5 × 10 = 11, 115 में 1 जोड़ेंगे 116/5। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई 116/5। तो ये जो भी यहाँ पर लेंथ आया है इनको डिवाइड कर दो 116/5 से, बात खत्म, आप इनसे डिवाइड करो आंसर आएगा, बात पक्का है। यानी जो भी यहाँ लंबाई है इनको इससे भाग कर देंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा, समझ रहे हो, यानी कि 116/5 से डिवाइड कर दो, कुछ भी नहीं करना। अब देखो दोस्त ध्यान से, यानी 1044 जो का त्यों रहेगा बटा में 5, एक जो भागा में है गुना में पलटेगा तो 5 ऊपर चला जाएगा 116 नीचे आ जाएगा, इस 5 से ही 5 को हम काट सकते हैं। अच्छा अब इन 116 से 1044 से इसको काटेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, आप कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। दोस्त उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे बहुत बेहतरीन तरीका से, कैसे किए हैं, समझे है कि नहीं, नहीं समझे मेरे दोस्त, काटने में आपको दिक्कत हुआ होगा ना, बिल्कुल सही कहा आपने, 5 से 5 कर सकता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो दोस्त यहाँ किन से हम काटेंगे, देखो हमने 116 को डायरेक्ट 9 से गुना करेंगे तो ये कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो 2 से भी काट सकते हो, या चाहो तो आप किन से काट सकते हो
दो से तीन से नहीं कटेगा, चार से नहीं कटेगा, चार से काटो, चार से इसको काटोगे तो चार दूनी आठ, यहाँ से जाएगा तीन, ये हो जाएगा कितना 36, चार नवा 36, 29 के बारे में आया, चार से काट, इसको चार से काटो तो चार दूनी आठ, चार छक 24, यहाँ कितना बचेगा 4 एकम 4, बात को समझ रहे। अब देखो दोस्त, अब इनको कितने, जब हम 10 से 44 को 4 से भागा देंगे तो 4 2 8 2 जाएगा, 4 6 24 4 1 4 29, और यहाँ पर कितना बचा 261, 29 से 261 को हम काटेंगे कितने बार में जाएगा 9 9 81 के 1, 29 को 9 से काटेंगे तो कट जाएगा 29 9 9 81 के 1 हासिल कितना 8, 9 2 18 8 26, जी हाँ बिल्कुल, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। कैसे करना है, जो भी लंबाई है जितने छोटे छोटे टुकड़े में काटना है बस उन्हीं से डिवाइड कर देना, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसका कंसेप्ट अगर विशेष तरीका से सीखना चाह रहे हैं तो हमारे आप यूट्यूब ऐप पे जाइए, वहाँ सर्च बार में सर्च कीजिए सत्येंद्र गुरुजी, आप सर्च कीजिए सत्येंद्र गुरुजी फ्रैक्शन, आप सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा और वहां से आप जाकर उसको देखिए जी कैसे इनको सॉल्व करना, ठीक है, यानी कि इसको क्रॉस मेथड से सॉल्व करना। क्या करना, हमें सबसे बड़ी चाहिए तो जो भी छोटी आएगा उसे भूल जाएंगे। सबसे पहले हम 1/8 और 2/12 में चेक करेंगे, 1/8 और 2/12 में हम चेक करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। मेरे दोस्त इनको क्या करना, क्रॉस गुना करना, क्रॉस गुना करना, तो ये 12 से 1 में गुना करेंगे 12 होगा, 8 से 2 में गुना करेंगे 16 होगा। ये बताइए 12 12 है कि 16, नहीं 16 12 है। इसका मतलब है 16 रिप्रेजेंट किनको कर रहा है, 2/12 को, इसका मतलब 2/12 जो है वो 12 है, 1/8 छोटा है, तो हमें सबसे बड़ी चाहिए तो हम छोटा वाला को यहाँ पर कटिंग कर देंगे एंड इग्नोर कर देंगे, यानी 2/12 1/8 से 12 है। अब देखो दोस्त 2/12 को हम इनको तो भूल गए क्योंकि छोटा मिल गया हमें, ये मिल गया छोटा तो इनको भूल जाएंगे। 2/12 और 3/16 को कंपेयर करेंगे, 2/12 और 3/16 में देखेंगे कौन 12 है कौन छोटा है, फिर इनको भी क्रॉस गुना करेंगे ऐसे, तो ये कितना बनेगा भाई क्रॉस गुना करने के बाद कितना बनेगा, 8 2 बन जाएगा 16, ये कितना बन जाएगा, सॉरी 16 2 कितना हो जाएगा 32, 16 2 32, ये कितना हो जाएगा 12 3 36, ये बताइए 36 12 कि 32 12, मेरे दोस्त 16 2 32 और 12 3 36 36 12, इसका मतलब 3/16 12 है किन से, 2/12 से। अब दोस्त देखो 1/8 12 है, 2/12 से, अच्छा 3/16 से भी छोटा हो गया 2/12, इसका मतलब हम 3/16 अब हम कंपेयर किन में करेंगे, 3/16 और 4/20 के बीच में हम कंपेयर करेंगे, फिर से यहाँ भी क्रॉस गुना कर देंगे, बात कुछ थोड़ी भी है, क्रॉस गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 16 4 64 और 20 3 60, 20 3 60 और 16 4 64, ये बताइए 64 12 कि 60 12, मेरे दोस्त 64 12, इसका मतलब 3/16 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सबसे जो 12 होगा इन्फ्रैक्शन में 3/16। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, अगर नहीं भी समझे है ना कोई दिक्कत नहीं है, हमारे चैनल पर जाइए वहाँ पर सर्च कीजिए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन सत्येंद्र गुरु जी, आपको वीडियो मिल जाएगा, सीक्वेंस वाइज देख लीजिए कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3680 रुपये पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 2.5 साल में कितना ब्याज होगा, अरबी कंस्टेबल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम सभी कोई बहुत बेहतरीन तरीका से जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PRT अपान 100 होता है, ये बात सभी कोई जानता है, यहाँ से हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लगा देंगे, प्रिंसिपल कितना है भाई 3680 रुपया, कोई दुख तकलीफ नहीं, रेट कितना है 4%, टाइम कितना है 2.5%, यानी 2.5 साल, तो बाटा में 100 लिख देंगे, बाटा में कितना आ जाएगा 100, कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त यहाँ से इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदले में नीचे 10 और लगा सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। अब हम इनको काटेंगे पीटेंगे, देखो दोस्त यहाँ कैसे कटिंग करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया, ये 25 से ये 100 कटेगा 4 बार में, बहुत बढ़िया, ये 4 से ये 4 पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास टोटल कितना बचेगा
368 रुपया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा मेरे दोस्त 368 रुपया मिलेगा। और 368 रुपया किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित दूरी को तय करते समय दो व्यक्तियों के चाल का अनुपात 18:12 है। दूरी को तय करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। आरआरबी जी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। एक निश्चित दूरी है, जैसे हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए ए और बी, इनकी बीच में दूरी कितना है, मान लेते हैं 40 किलोमीटर है। हम आपको कंसेप्ट बता रहे हैं 40 किलोमीटर है। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल से या फिर कोई कार से इसको जाता है 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाता है, तो कितना समय लगेगा? 2 घंटा लगेगा। समय कितना लगेगा? 2 घंटा। अब देखो दूसरा पॉइंट, अगर इसी दूरी को कोई व्यक्ति 40 के स्पीड से जाता है, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा, तो उसको समय कितना लगेगा? 1 घंटा लगेगा। तो ये बताइए दोस्त, यहाँ से एक बात है, दूरी अगर निश्चित दूरी को तय करना है ना, तो आपकी जो स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट है कि जब दूरी समान हो ना दोस्त, कि चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। जब दूरी समान हो तो चाल और समय एक दूसरे का उल्टा होता है। आपकी अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, आपकी स्पीड अगर कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। इसीलिए मेरे दोस्त, जब निश्चित दूरी को तय करने के लिए चाल का अनुपात दिया है तो समय का अनुपात इनके उल्टा हो जाएगा। निश्चित दूरी बोल दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए क्या बोला है, निश्चित दूरी, उनकी चाल का अनुपात कितना दिया है भाई? चाल का अनुपात दिया है 18:12 दिया है, ठीक है। तो हम स्पीड समय का रेशियो पूछा है, तो हम समय का रेशियो बहुत बेहतरीन तरीका से निकाल सकते हैं। समय का रेशियो इनका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/18:1/12 हो जाएगा, बात खत्म। 1/18 और 1/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ये जो अनुपातिक मान है ना, इनको हमें सबसे पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, ये 18 और 12 का एलसीएम से इन दोनों में हम गुना कर देंगे, बात खत्म। अब देखो इन दोनों को हम गुना कर देंगे किससे भाई? 36 से। 12 और 18 का एलसीएम 36 होगा, तो 18 से 36 कटेगा 2 बार में अनुपात, 12 से 36 कटेगा 3 बार में, 2:3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है बताइए मेरे दोस्त? यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, हम समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं। इनकी जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है? 18:12 है। तो यहाँ से टाइम का रेशियो निकल जाएगा, टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/18:1/12। हमने इनको जब सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे तो 36 से इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, 36 से इनको भी मल्टीप्लाई कर दो, अब समझ में आ जाएगा। 18 × 36 = 12 / 36, ऐसे भी तो 2:3 आया। अब समझ में आया? जी हाँ, अब समझ में आ गया। आप बोलेंगे जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2022 ग्रुप डी का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछ लिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घनाभ की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है और इसका आयतन 1296 cm³ है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले आपको घनाभ का आयतन मालूम होना चाहिए। हम सभी कोई जानते हैं घनाभ कैसा होता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। घनाभ कैसा होता है भाई? इस प्रकार से होता है। अच्छा मेरे दोस्त, इस घनाभ में लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है, ऊंचाई भी अलग होती है, बात को समझ रहे हैं, सभी बेहतरीन तरीका से अलग अलग होता है। ऐसा होता है घनाभ, सभी कोई जानता है। अब देखो दोस्त, इस घनाभ में लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है और ऊंचाई भी अलग होती है। तो इनका जो आयतन का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, क्या वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही होता है। अब हम सभी कोई बहुत अच्छे से जानते हैं आपके वॉल्यूम कितना दिया, इनका आयतन दिया है 1296 cm³
और यहाँ पर भुजा के अनुपात दिया है 1, 2, 3। हम इनको अगर एक को x मान लें, इसको 2x और इसको 3x हम मान सकते हैं, यानी x कांस्टेंट होता है हम मान सकते हैं बिल्कुल। तो यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई को बराबर आयतन दिया है, इनका हम गुना कर देंगे। ये एक्स है, ये 2x है, ये 3x है, ठीक है। इन सभी को गुना करेंगे तो 3 × 6 और 6 × 1 में गुना करेंगे 6x³ हो जाएगी, ठीक है। यानी इन तीनों भुजाओं को आपस में गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 6x³। समझ रहे हो कि नहीं। यानी x 2x 3x को जब हम यानी लंबाई के जगह पे हम अगर x लेते हैं, चौड़ाई के जगह पे हम 2x लेते हैं, ऊंचाई के जगह पे हम 3x लेते हैं, क्योंकि जो पहला दिया जाता है वो लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई होता है, ठीक है दोस्त। तो ये गुना करेंगे इन सभी को तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे 6x³ हो जाएगा। इसका वॉल्यूम कितना दिया है, 1296 दिया है। अब देखो दोस्त, यहाँ x का वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे, x³ का वैल्यू निकालेंगे, 6 से इसको काटेंगे तो 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, 216 हो जाएगा। तो यानी x²216 है, x³ 216 है, तो x कितना रहा होगा, x रहा होगा 6। ये बताइए दोस्त, x 6 कैसे रहा होगा, 6 का क्यूब्स हम सभी कोई जानते हैं 216 होता है, 6 का क्यूब्स कितना होता है, 216, ठीक है। यानी x निकालेंगे तो घनमूल चढ़ जाएगा 216 के ऊपर, और 216 का घनमूल निकालेंगे तो 6 नहीं मिलेगा, जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब यहाँ से मेरे दोस्त कन्फर्म हो चुका है कि x कितना रहा होगा, 6। अब इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, तो इनका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया होता है 2 × LB + BH + HL, ये सभी कोई जानता है। इसका जो एरिया होता है, जो घनाभ का कर्व सरफेस एरिया होता है, वो तो 2 × LB + BH + HL, ठीक है। अब हम इन फॉर्मूला पुट करेंगे, 2 × L × B। अब देखो दोस्त, L कितना है, B कितना है, H कितना है, निकालना पड़ेगा। जब X का वैल्यू 6 है तो यानी कि लंबाई इनका कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। इनकी चौड़ाई कितना रहा होगा भाई, चौड़ाई रहा होगा 6, 2x माने थे ना, इसको इसका वैल्यू हो जाएगा 2x, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, ये 3x, तो हाइट कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18। समझ पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल। तो हमें क्या लेना है, L × B, यानी 6 × 12 लेंगे तो 6 × 12 = 6 कितना हो जाएगा, 72, बहुत बढ़िया कहा आपने। प्लस BH, ये BH को आपस में गुना करेंगे तो 18 × 12 कितना हो जाएगा, 18 × 180, 18 × 36 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, 216, 18 × 36 के 6 हासिल कितने, 3 × 18 = 3 = 221। प्लस HL, लंबाई और चौड़ाई को ऊंचा कर लो, लंबाई और ऊंचाई को, 6 × 18, 18 × 6 कितना हो जाएगा, 18 × 5 = 18, 18 × 6 = 108 हो जाएगा। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे कितना बनेगा भाई, ध्यान से सुनेंगे, 2 × 72 216 108 को ऐड करेंगे कितना बनेगा, 8 × 6 = 14 + 2, 16 × 6 हासिल कितना, 1, 8 × 6 = 14 + 2, 16 × 6 हासिल कितना, 1, ठीक है। 7 और 1 8, 8 में 0 जोड़ेंगे, 8 × 1 हासिल हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 का 296 होगा, इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 296। जब इनको हम 2 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, आप कहीं गलत तो नहीं किए हैं भाई, ध्यान से सुनेंगे, आप गलत तो नहीं किए हैं, 296 कैसे होगा भाई, ज़्यादा होगा, 8 × 6 = 14 = 2, 16 × 6 हासिल कितना, 1, 7 × 1 = 8 हासिल 9। अब देखो यहाँ कितना बचा है भाई, यहाँ 2 और 1 = 3, बिल्कुल 2 और 1 = 3 हो जाएगा, 396 होगा। इन सभी को ऐड करेंगे तो इनको गुना करेंगे कितना होगा, 6 × 12 = 2 हासिल कितना, 1, 9 × 18 = 1, 19 × 9 हासिल कितना, 1, 3 × 6 और 1 = 7, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था दोस्त, NTPC के लेवल का क्वेश्चन है, इसने ग्रुप डी में पूछ लिया गया है। चलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आप इस क्वेश्चन को समझ गए हैं कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने सरलीकरण का है, NTPC 2021 का क्वेश्चन है। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको बोर्ड मास का तरीका मालूम होनी चाहिए। बोर्ड मास का तरीका क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट,
उसके बाद भरा ब्रैकेट, ये सभी कोई जानता है। उसके बाद ऑफ का होता, तब डिवाइड, तब मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन, ये बात सभी कोई जानते हैं। अब देखो दोस्त, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताइए, माइनस से पहले है तो हम इनको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 25 भागा 10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। बीच में है माइनस। अब देखो दोस्त, यहाँ हम और ऊपर करके लिखते हैं, ऊपर करके लिखते हैं 25 अब बटा 10, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो दोस्त ध्यान से, माइनस है यहाँ, जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सॉल्व कर देते हैं, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सॉल्व कर रहे हैं रफिंग वर्क में, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सॉल्व करके रफ वर्क में करते हैं, कितना है 7/4 गुना 1/3 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के भीतर में दिया है ना, तो सबसे पहले हम इन्हीं को सॉल्व करेंगे। तो कितना बनेगा भाई, 7 से 1 में गुना करेंगे 7 होगा, 4 से 3 में गुना करेंगे 12 होगा, और गुना दिया है इनके साथ कितना 6/5 से, ठीक है, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5 × 10। तो ये बताइए, मैं इतना वैल्यू को 7/10 लिख सकता हूँ? जी, आप बोलेंगे जी सर लिख सकता हूँ। हम जब इनको सॉल्व किए रफ वर्क में तो कितना हो गया भाई, जब इनको आपने सॉल्व किया तो कितना बना, जब इनको आपने सॉल्व किया तो कितना बना, 4 × 12 ये बन गया 7/10 बन गया। यानी यहाँ से लेकर जब वैल्यू हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जब हम सॉल्व किए तो कितना आ गया, 7/10 आ गया, बीच में प्लस है, ठीक है। अब देखो दोस्त यहाँ से, ये 3 से 9 कटेगा 3 बार में, 14 × 42/10 और भी काट सकते हैं, 5 से 1 कटेगा कितने बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से 2 से कटेगा, सॉरी गलत कर दिए हम, गलत कर दिए, 3 से ही कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा ये 5 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, तो कितना हो जाएगा 21/5। यानी इनका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 21/5, इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/5, 21/5 डायरेक्ट लिखा जा सकता है, बीच में माइनस। अब हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/5 ज्यों का त्यों रहेगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो 25/1 हो जाएगा, ये 5 से ही 25 कटेगा 5 बार में, यानी उनका वैल्यू कितना आ गया 5, अब बटा में कुछ नहीं था 1। अब दोस्त इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इनको हम सॉल्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, 10, 5, 10, 10, 5 एक का एलसीएम होगा 10, यहाँ 25 ज्यों का त्यों रह जाएगा, -7 ज्यों का त्यों रह जाएगा, 5 से 10 जाएगा 2 बार में, 21 × 2 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, 1 से 10 जाएगा 10 बार में, और 10 × 5 = 50 माइनस का। अब हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखो प्लस वाले को जोड़ लो, 25 और 42 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 42 को जोड़ोगे तो मेरे तो 67 बनेगा, माइनस 50 और 7 को जोड़ोगे 57 बनेगा, अब बटा में कितना 10 तो देवे की है, समझ रहे हैं, 57 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 57 में से 67 घटेगा कितना बचेगा 10, अब बटा में 10 देबे किए, 10/10 कट के कितना हो जाएगा, इनका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 1, इन सभी को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो 1 होगा दोस्त। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आज के बाद पेपर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है आप इसको समझ गए हैं कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि m प्लस n अनुपात n माइनस n बराबर 7/3 है तो m क्यू प्लस n क्यू अनुपात n क्यू माइनस n क्यू का मान बताना है। NTPC 2021 का क्वेश्चन, क्या करना है ध्यान से सुनेंगे, क्या है, m प्लस n बटा m माइनस n ये बराबर में कितना दिया है, 7/3 दिया है, इनको सॉल्व करेंगे, कैंची गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7m - 7n बराबर हो जाएगा 3m + 2n, कोई दिक्कत। अब देखो दोस्त यहाँ से 7m में से 3m इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा, 4m बचेगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं, 7m इधर है बराबर के उस साइड में 3m है, जब आके इधर घटेगा तो 3m हो जाएगा, अच्छा 7m - 3m बराबर कितना, सॉरी गलत कर दे रहे, 7m में से 3m घटेगा तो केवल 4m बचेगा, अब बराबर यहाँ देखो 2n पहले से था, समझ रहे हो, 3n पहले से था, 3n पहले से था, और 7n इधर माइनस के जाएगा प्लस के उस साइड में, तो प्लस हो जाएगा कितना, 10 गुना, दोनों जुट जाएगा। अब देखो दोस्त ये 2 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में, ये 2 से कटेगा कितना बार में, 2 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, तो यहाँ से m और n, m बटा n का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू 5 होगा बटा n का वैल्यू 2 होगा, m का वैल्यू 5 आया, n का वैल्यू 2 आया, समझ पा रहे हैं कैसे आया है,
एम का वैल्यू कितना आया है, एम का वैल्यू आया है 5, एन का वैल्यू कितना आया है भाई 2 आया है। ये बताइए यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमें निकालना है एम क्यू प्लस एन क्यू बटा एन क्यू माइनस एम क्यू माइनस एन क्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एम का स्थान है 5, तो 5 का क्यूब 125, बीच में प्लस एन का जगह पर 2 का क्यूब 8। इनका अनुपात निकालना है केकरा साथ में, अनुपात का मतलब बटा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाएगा एम क्यू यानी 125 माइनस 8। अब देखो दोस्त कितना होगा, 125 में 8 को जोड़ेंगे 133 होगा, बटा हो जाएगा 125 में 8 घटेगा 117। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 बटा 117। इसको हम लिख सकते हैं 133 अनुपात 117, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है, ठीक है दोस्त। चलिए हम आपको एक बात बताता हूँ दोस्त, अगर आप बहुत सारे दोस्त का कमेंट होता है कि सर रीजनिंग का भी वीडियो डालिए, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से एसएससी और रेलवे के नाम से हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं, वहाँ पर कम से कम आपको 122 रीजनिंग का पार्ट मिल जाएगा, आप उसको कंटिन्यू देखिए, क्योंकि उसमें रेलवे का अधिकांश क्वेश्चन को हमने शामिल किया हुआ है, ठीक है। और वहाँ से देखिए सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे, और आज के बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।